Hamza'nın abi rap gayga. Hamza gao. Gözber bhai ye bhi bahut mehnat kar rahe hai guys. Is dhoop mein bhi ye bhai abhi aaye hai bahut mehnat kar rahe hai. Is bhai ko bhi subscribe kare. Fir se jal gaya dekhiye guys. आग लगा दी आग लगा दी आग। हेलो माय डियर यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस कैसे हो, उम्मीद है सब अच्छे से होंगे। तो अभी सुबह के 8:30 बज चुके हैं, नींद से तो मैं कब का उठ चुका, 5-6 बजे में नींद से उठ जाता हूँ, लेकिन व्लॉग अब स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आज का सीन मैं आपको बता दूँ, आज ना मैंने कुछ स्पेसिफिक जगह चूज नहीं की है घूमने के लिए या कहीं जाने के लिए। तो फिलहाल जाता हूँ मैं शॉप, यहाँ पे शॉप खोलते फिर वहीं पर जाकर डिसाइड करते कि आज इनका क्या सीन रहेगा। तो वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज गाइस सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी ऑल कीजिए ताकि मैं जब भी कोई वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और एक बात मैं कहना चाहता हूं, सुबह सुबह मेरे एक सब्सक्राइबर ने 40 रुपीस का सुपर थैंक्स भेजा है। उनका नाम है बोवितो चिसी, BOVITOCHISHI। तो उनका मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे सुपर थैंक्स 40 रुपीस का भेजा, मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है। बहुत सारे लोग सोचते होंगे हम क्यों सपोर्ट करें इसकी चैनल को, क्यों सुपर थैंक्स ये सब भेजे। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, जो सुपर थैंक्स भेजोगे ना उसमें से कुछ परसेंट चैरिटी के लिए जाएंगे, गरीब लोगों के लिए, ठीक है। तो मेरी चैनल का मेन मकसद यही है, गरीब लोगों की हेल्प करना, ठीक। तो अगर आप मुझे सुपर थैंक्स भेजोगे ना, मेरी चैनल को पूरा सपोर्ट करोगे, मेरे वीडियोज देखोगे, तो उसे क्या होगा ना, गरीब लोगों की भी हेल्प होगी और मेरे भी ड्रीम्स पूरे होंगे और साथ साथ में गरीब लोगों के भी ड्रीम्स पूरे होंगे, ठीक है। तो चलिए फिर जाते हैं शॉप के लिए, फिर वहीं पर जाकर डिसाइड करते हैं आज की क्या सीन रहेगा, ठीक है। ये है मेन रेलवे स्टेशन बड़गाम का, ठीक है। और ये देखिए पहाड़ों पे अभी भी बर्फ है, ये देखिए गाइस कितना प्यारा लग रहा है ना। गाइस फाइनली पहुंचा मैं शॉप पे, और ये देखिए ये टाइम अपना, और ये देखिए यहाँ पे क्या मिल रहा है, तोता मिल रहा है यहाँ पे, ताज वाला, ये देखिए क्यूट क्यूट, ये क्या लव बर्ड्स हैं, लव बर्ड्स हैं ये, दूसरे वाले कोई बर्ड्स हैं। ये देखिए गाइस रैबिट और डक देखिए, ओ भाई साहब। गाइस सेम आपको कुछ एक्सपेरिमेंट दिखाने वाला है, ये देखिए यहाँ पे से सैनिटाइजर डाला, ये क्या है, ओ भाई साहब इसने पेट में आग लगा दी। फिर से दिखाता हूँ आपको गाइस, फिर से जल गया, देखिए गाइस आग लगा दी आग लगा दी आग। गाइस जो अभी सईम ने किया ना वो घर पे ट्राई ना करे, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। मुझे नहीं पता था ये सब करेगा, वरना मैं इसको करने नहीं देता, तो डोंट ट्राई दिस एट योर होम, ओके। तो गाइस हमारे घर के साइड भी ना रोड बढ़ाने का काम किया जा रहा है स्मार्ट सिटी का, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए गाइस यहाँ से ना रोड नहीं था, ऑफ रोड था यहाँ से, ये देखिए यहाँ से भी काम किया जा रहा है ना, इतना छोटा रोड था, ठीक है, इतना सा रोड था, अब देखिए कितना बड़ा किया गया है इसको, अब आराम से दो गाड़ियाँ आ सकती है इस रोड पे। तो गाइज मुझे ना अब राजबाग तक जाना है, वहाँ पे मुझे कुछ काम है, और फिर वहीं से देखते हैं अगर कहीं घूमने जाए, अभी कोई स्पेसिफिक जगह चूज नहीं की है, अगर हुआ वहीं से कहीं प्लान घूमने का तो जाएंगे। आज हमजा आएगा, ये मेरा फ्रेंड है, सब्सक्राइब ये मेरा फ्रेंड है हमजा, यही आएगा मेरे साथ आज, ठीक है। आज केडी पता नहीं कहाँ पे, तो आज यही आएगा, ये बहुत टाइम से बोल रहा है कि मैं आपके साथ आऊँगा, तो आज ये मेरे साथ ही आएगा, मेरा बचपन का फ्रेंड हमजा। ये देखिए इसके बाल कितने बड़े, बाल दिखा, बाल बाल ना बाल, ये देखिए गाइस इसको ना बचपन में, ये देखिए गाइस एक बार और ऐसा करो ना एक बार, ये देखे ओ भाई साहब इसको ना बचपन में यहाँ तक बाल थे, यहाँ तक, अब इसने काटे बाल। चले निकलते हैं फिलहाल, फिर आगे जाके देखते हैं कि कहाँ जाए, ठीक है। गाइस बाइक ना शोर कर रही है, ये देखिए पता नहीं यार क्या हुआ बाइक को, जैसे कोई चीज टूटी है बाइक में। देखिए यहाँ से ना सब कुछ दिखाई दे रहा है, ये देखिए वो रहा शंकराचार्य मंदिर, ठीक है, और वहाँ पर देखिए पहाड़ों पर बर्फ, और वो जो उधर से पहाड़ है ना, जो वहाँ से वो टूटा हुआ है, पहाड़ तोड़ा जाता है और उसके पत्थर जो है ना वो घर के नीचे ना ब्रिक्स के काम आते हैं, वो कश्मीर में लगाते हैं घर को नीचे से ब्रिक्स, ठीक है, उसी के काम आता है ये, इसलिए वो पहाड़ तोड़ा गया है वहाँ पे, ये देखिए। तो गाइज हम पहुँचे राजबाग, इस साइड भी ना ये होटल्स वोटल ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ से टूरिस्ट भी रहते हैं, क्योंकि यहाँ से ना डल लेक नज़दीक है, इसलिए यहाँ पर टूरिस्ट भी आते हैं। गाइज ये देखिए इस साइड ना बहुत सारे ट्यूशन सेंटर्स भी है, ठीक है, लेकिन हम यहाँ से जाएंगे, यहाँ से ना फुट ब्रिज पे पहुँचते, एक फुट ब्रिज है यहाँ पे, मैं आपको दिखाता हूँ जाके, ठीक है। गाइस यहाँ पे रखी हमने अपनी बाइक स्प्लेंडर, अब जाना है हमको यहाँ से, ठीक है। ये देखिए गाइस ये रहा वो ब्रिज, ये देखिए हमजा, हाय हाय, ये देखिए गाइस ये ना पूरा वुडन का ही ब्रिज है, ठीक है, इसका फ्लोर भी वुडन का ही है, जो यहाँ से डेकोरेट किया गया है वो पूरा वुडन का ही है, ठीक है।
ये देखिए ये बहुत ही फेमस ब्रिज है यहाँ पे राजबाग में। बहुत सारे लोग टूरिस्ट भी आते हैं यहाँ पे ब्रिज देखने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही फेमस है। शाम के टाइम ना ये अलग ही चहल पहल होती है यहाँ पे, हर तरफ चमकता है ये ब्रिज, क्योंकि हर तरफ से लाइटनिंग लगी हुई है इस पर। ठीक है, ये देखिए पूरा फ्लोर भी वुडन का ही है इसको। और यहाँ से देखिए झेलम रिवर, यहाँ से भी स्मार्ट सिटी का काम किया गया है ये देखिए। और ये जो है ना ये हाउस बोट है, जैसे वो हाउस बोट है ना पानी के बीच में, वहाँ से देखिए हाउस बोट्स, ऐसे ये भी हाउस बोट है यहाँ पे। लेकिन ये ना रेस्टोरेंट है यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे रेस्टोरेंट खोला गया है, ज़मीन के ऊपर ही है ये नाव, तो उसी पे रेस्टोरेंट खोला गया है ये देखिए। ये ना शाम के टाइम और चमकता है ये वाला ब्रिज, ठीक है, तो इसलिए बहुत सारे लोग यहाँ पर शाम के टाइम ही आते हैं। ये देखिए यहाँ पर वो हट टाइप बनाई गई है बैठने के लिए, ये देखिए। अभी तो यहाँ पे उतनी भीड़ नहीं है, लेकिन जब आप शाम के टाइम आओगे ना यहाँ पे ना बहुत ही सारी भीड़ होती है, यहाँ पे बहुत ही सारी भीड़ होती है। और वो मैं दिखाना भूल गया गाइस, ये जो यहाँ पे हाउस बोट है ना, हाउस बोट के ऊपर छत बनाया गया है, ठीक है, वहाँ पे भी आप बैठ के कुछ खा सकते हो रेस्टोरेंट में। और ये देखिए इसको भी मरम्मत चल रही है, काम चल रहा है इसमें भी। ये वाला जो फ्रेम है ना वो पूरा नया लगाया गया है, नीचे से भी मरम्मत चल रही है। ये देखिए स्मार्ट वर्क ही चल रहा है यहाँ से भी। देरी जी बेलपुरी, यहाँ से भी काम चल रहा है स्मार्ट सिटी का, कलरिंग किया जा रहा है। और यहाँ से मरम्मत हो रही है फ्लोर में, ठीक है, ये फ्लोर भी पूरा वुडन का ही है जैसे मैंने आपको बोला। ये देखिए ये रहा इसका दूसरे साइड का दरवाज़ा, देखिए ये भी पूरा वुडन का ही है। जना मैंने आज पहली बार देखा यहाँ से भी वो वर्क किया गया है स्मार्ट सिटी का। ये देखिए यहाँ पे वो पाथ से सब बनाए गए हैं, अभी भी काम चल रहा है वहाँ पे, वो देखिए हर तरफ से अभी काम चल रहा है गाइस। पिछली बार भी मैं यहाँ पे आया था लेकिन उस टाइम ये नहीं बना था यहाँ पे। अभी देखिए यहाँ से भी काम चल रहा है, पाथ से सब बनाए गए हैं। और ये देखिए टाइल्स लगाया जा रहा है यहाँ पे, अभी भी काम ही चल रहा है यहाँ से, ठीक है। मेरा फ्रेंड है ना हमजा, इसको ना कश्मीर में सभी जानते हैं, जहाँ से भी आप जाओगे ना सभी इसको जानते हैं, यो यो इसको बुलाते हैं सब लोग। वहाँ से भी यही पाथ से सब बन रहे, ठीक है, उस साइड भी। तो जो कुछ भी था मैंने आपको इस साइड सारा दिखाया, देख लो यहाँ से हाउस बोट्स और ये झेलम रिवर। हमजा चलो वापस जाते हैं। हाँ चलो गाइस, ये चेक करिए कितना बड़ा चिनार का पेड़ है यहाँ पे, ओ बॉय साहब। ये देखिए गाइस ये जो पिलर्स लगाए गए हैं ना, ये ऊपर ना वो रिंग लाइट टाइप है, ठीक है, ये पूरा सोलर पे चलता है। ये देखिए यहाँ से वो सोलर लगाए गए हैं, हर जगह से लगे गए ये पिलर्स। यहाँ से देखिए गाइस ये वाला ब्रिज जो कि वुडन का है, बहुत ही फेमस ब्रिज है श्रीनगर सिटी का, ठीक है, राजबाग में है ये ब्रिज, पोलो व्यू वहाँ। और वहाँ से वो हाउस बोट पार्क से ये सब बन रहे उधर से। ये देखिए हम ना ब्रिज के उस साइड आए, अब हम इस साइड से जाते हैं, ठीक है, यहाँ से भी दिखाते हैं आपको यहाँ का मार्केट थोड़ा बहुत। ये देखिए गाइस इस साइड ना हर तरफ से रेस्टोरेंट ज़्यादा है, ठीक है, हर तरफ से आइसक्रीम मिल रही है रेस्टोरेंट से, सब ही है गाइस। यहाँ से ना सीधे पहुँचते हैं सोनवार, ठीक है, तो वहाँ से हमको नहीं जाना है, अब हम वापस ही जाएंगे क्योंकि बाइक भी उस साइड ही है। जा फोटोज उठाने, फोटो उठाना है ना। ये ना बहुत सारी रील्स बनाता है, ये ना इंस्टा पे भी बहुत सारे फॉलोवर्स है ना। ये देखिए गाइस हमजा दे रहा है पोज फोटो के लिए, तो गाइस फोटोज उठाए हमजा ने, अब जाते हैं यहाँ से वापस, ठीक। जब मैंने पिछले व्लॉग में शिकारा से रिवर क्रॉस किया था ना झेलम रिवर, तो बहुत सारे लोगों ने बोला कि इतना मडी रिवर क्यों है, तो मैं आपको दिखा दूँ। ये देखिए पानी का लेवल ना हाई हो चुका था, वहाँ तक पानी पहुँचा था, क्योंकि बहुत टाइम से बारिश हो रही थी उसी वजह से पानी ख़राब हो चुका था, ठीक है, और कोई रीज़न नहीं है। ये देखिए जी गाइस यहाँ पे हमें कौन मिले, अपने इमरान भाई, इसको अभी नहीं पता कि मैं अभी इसको वीडियो उठा रहा हूँ, ये देखिए व्लॉगिंग कर रहा है। ये देखिए अब इसको नज़र पड़ी मेरे ऊपर। ये देखिए आप ठीक हो, अच्छे से, अच्छे से, घर में सब ठीक है। बस दुआ, तो गाइस ये भी अपने व्लॉगर, यहाँ से चल रहा था मेरे को नज़र पड़ी इस पर व्लॉगिंग कर रहा है यहाँ पे, इसको जानते हो हमजा को, अपना भाई है। और किया व्लॉगिंग अभी मैं कस कर रहा था, आप थोड़े से शॉट लेने बाकी अच्छा। हो गया काम, और मैं सब ठीक, चलो फिर मिलते हैं बाद में। तो गाइस इन भाई का भी चैनल है, व्लॉगिंग चैनल है, चैनल का नाम है इमरान ऋषि। अगर आपको लिखना होगा यूट्यूब पे तो आप पूरा कैपिटल लिखना IMRAN RESHI, वहाँ पे आपको सब दिख जाएंगे, मेरे व्लॉग भी आपको दिख जाएंगे। सो मैं चाहता हूँ आप भी, आप लोग भी सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, थोड़ा सा सपोर्ट दिखाए। और जो जुबैर भाई है ये भी बहुत मेहनत कर रहे हैं गाइस, इस धूप में भी ये भाई अभी आए हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, इस भाई को भी सब्सक्राइब करें, पूरा पूरा सपोर्ट करें। ओके भाई, थैंक यू।
थैंक यू भाई, तो सिद्धू मूसे वाला एक रैप गा के गाइस, हमजा ना भी रैप गाएगा। हमजा गाओ। पोटल वॉल का कम केला कुछ आ कमु सीता लोल का चाल पोटल वॉल का कम केला कुछ आ कमु सीता लोल का अति सीता लोल चार बोतल वॉल का यो यो हनी सिंह सिद्धू मूसे वाला वो मेरा भाई है। सिद्धू मूसे वाला इसका भाई है। ओ भाई साहब, हमजा आप बोलो सब्सक्राइब करने के लिए। हाँ, अगर हमजा का रैप आपको पसंद आया होगा ना तो प्लीज गाइस सब्सक्राइब कीजिए मेरी चैनल को। अभी ना वैसे व्लॉग्स भी आ रहे हैं, अभी मैं पास में जो जगह है ना वो एक्सप्लोर कर रहा हूँ, लेकिन जब अच्छा मौसम होगा ना यहाँ पे, यहाँ कश्मीर के मौसम पे ना कोई भरोसा नहीं है। अभी धूप होती है, अभी अचानक से बारिश होती है। जब यहाँ कश्मीर में मौसम ठीक होगा ना उसके बाद हम दूर कहीं जाइए घूमने के लिए, ठीक है। तो गाइज हम ना अभी चिल्ड्रंस पार्क आए, हमजा ने बोला कि यहीं पे चलते हैं, ये ना लाल चौक के बीच में पार्क है तो वहीं पे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे रखी हमने अपनी बाइक पार्किंग में, अब जाना आपको यहाँ से, ठीक है, वहाँ के लिए टिकट निकालनी पड़ेगी। ये देखिए जी गाइज चिल्ड्रंस पार्क, ये देखिए गाइज बचपन से लेकर ना मैं आ जाया हूँ यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये बच्चों की पार्क है ना इसीलिए। ये देखिए गाइज हर तरफ झूले लगे हुए हैं, बचपन में खूब आते थे यहाँ पे, अब यहाँ पे हमारा क्या काम। बाकी यहाँ पे खाली बच्चे ही नहीं, बड़े लोग भी आते हैं। देखिए हर तरफ से बड़े लोग बैठे हैं पार्क में, लेकिन मैं ज़्यादा ये पार्क से सब में नहीं जाता, आपको पता ही है माउंटेन लवर हूँ तो ज़्यादा पहाड़ों पे ही जाता हूँ मैं। लेकिन गाइज हमारे टाइम ना इतने अच्छे झूले नहीं थे, उस टाइम वो सिंपल झूले हुआ करते थे, यहाँ पर अभी नए झूले लगाए गए हैं। ये देखिए भाई यहाँ पर ना वो बच्चों के लिए वो नेक्स्ट लेवल झूले लगाए गए हैं। ये देखिए बच्चा क्लाइंबिंग कर रहा है। काश हमारे बचपन टाइम ऐसा होता, उस टाइम नहीं था। छोटी गिर जाओगी, कितनी छोटी चढ़ रही है इस पर। ये देखिए गाइस यहाँ पे ना टूरिस्ट भी आए, बाहर के लोग भी आए यहाँ पे। भाई ये कैसा स्लाइड है, हमारे टाइम ये वाला स्लाइड नहीं हुआ करता था। ये देखिए कैसा स्लाइड है यहाँ पे। ओ भाई साहब, इसमें से मेरे को अच्छा लगता था उतरना, ये वाला जो है ना, लेकिन हमारे टाइम नहीं था ब्रो। हमारे टाइम ना सिंपल चीज़ें हुआ करती थी। ये देखिए यहाँ पे भी वो क्लाइंबिंग टाइप बनाया गया है कुछ। वहाँ से ना पूरा लाल चौक पहुँचते हैं उस साइड, ठीक है, लेकिन मेरे को ना भीड़ भाड़ वाला इलाके पसंद नहीं है ज़्यादा, आपको पता ही है। अब मैं जाता हूँ आप लोगों के लिए, आप लोगों को दिखाने के लिए, पर मेरे को बिल्कुल भी भीड़ भाड़ वाला इलाके पसंद नहीं है, ठीक है। अब आगे जाके दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे फाउंटेन भी है और वो जहाँ पे स्केटिंग करते हैं ना वो भी है यहाँ पे। ये देखिए गाइस यहाँ पे फाउंटेन भी है पार्क में, लेकिन अभी इसमें पानी नहीं है। ये देखिए गाइस यहाँ पे ना वो स्केटिंग सीखते हैं, ठीक है, ये उसी के लिए बनाया गया है यहाँ पे। गाइस ये ना नए झूले हैं, ये देखिए अभी इन पे वो पॉलीथिन लगा के ही है, मुझे लगता है कम ही टाइम हुआ इसको लगाए हुए यहाँ पे। हमजा को यहाँ पे भी बहुत सारे लोग जानते हैं, जानते हैं यहाँ पे कौन कौन जानता है आपको, है ना, सब जानते हैं आपको, सब जानते हैं हमजा को। जहाँ पे भी आप कश्मीर में जाओगे ना किसी जगह इसको कोई ना कोई जानता ही है। ये देखिए यहाँ पे वो कैंटीन बनाया गया है, हमारे टाइम नहीं था फास्ट फूड के लिए यहाँ पे कैंटीन बनाया गया है, ठीक है। ये देखिए गाइस यहाँ से है लाल चौक, ठीक है, देखिए पूरा यहाँ से वो स्ट्रीट मार्केट है, पटरी मार्केट है साइड, ये मैंने आपको दिखाया है पिछले व्लॉग्स में। अब मैं चिल्ड्रंस पार्क के अंदर के साइड दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। चिल्ड्रन पार्क के उस साइड है इकबाल पार्क, ठीक है। ये देखिए यहाँ से मार्केट, चप्पलें बेच रहे, कपड़े बेच रहे स्ट्रीट पे ही। यहाँ पे वो हट टाइप बनी हुई है, जब बारिश होती है ना पार्क में तो यहीं पे बैठा करते थे हम बचपन में, जहाँ पे झूले सवारी ये सब करते थे ना, इसीलिए। चले आप जाते हैं वापस, इतना था यहाँ पे चिल्ड्रन पार्क में, वो सब दिखाया आपको। तो गाइस पहुँचे हम अभी अपने बाइक के पार्किंग में। अभी जस्ट एक और सब्सक्राइबर ने मुझे 40 रुपीज़ का सुपर थैंक्स भेजा है, मुझे विवेक चौहान है उसका नाम, उसका भी मैं दिल से थैंक यू सो मच कहना चाहता हूँ। सेना चिल्ड्रन पार्क के गेट साइड ही देखे मार्केट लगता है, देखिए बैलून ये सब मिलते हैं यहाँ पे बच्चों के लिए। जो सीमेंट आर्ट किया गया था ना यहाँ पे, उस पर कलरिंग चल रही है, ये देखिए ऑरेंज कलर, हाँ अभी मस्त लग रहा है। और ये देखिए गाइस ये है बख्शी स्टेडियम, एक सब्सक्राइबर ने मुझे बोला था कि क्रिकेट स्टेडियम दिखाने के लिए, वहाँ से बख्शी स्टेडियम, वहाँ पे ऐसे अलाउ नहीं करते, ठीक है, जाना। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्रैक्टिस चल रही है क्रिकेट की, ये भी स्टेडियम का ही पार्ट है, ठीक है। वो रहा वहाँ पे स्टेडियम, वो देखिए पूरा रिंग बना हुआ है स्टेडियम का, वो देखिए गाइस
मैंने आपको ब्रिज के ऊपर से दिखा रहा हूँ, ये देखिए ब्रिज के ऊपर चढ़ा मैं, यहाँ से मैं आपको दिखा रहा हूँ ये स्टेडियम, और उसी पे वो काम किया जा रहा था, ये देखिए सीमेंट आटा, और यहाँ पे देखिए क्रिकेट प्रैक्टिस चल रही है। हमजा क्रिकेट खेले, क्रिकेट क्रिकेट खेले खेले कल, चले जी हमजा ने बोला कल, अब कल। हाँ तो गाइस फाइनली पहुंचा मैं घर, आप लोग मुझे इतना प्यार दिखा रहे हो ना, मैं आज बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। सुबह से दो लोगों ने मुझे सुपर थैंक्स भेजा, अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने विवेक चौहान का बोला उन्होंने भी 40 रुपीज़ भेजे, उससे पहले भी एक और ने 40 रुपीज़ भेजे, तो बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ मैं कि आप लोग मुझे इतना प्यार दिखा रहे हो। गाइस मैं ना एक अपना वो बहुत बड़ा सा वो बनाना चाहता हूँ, जब भी किसी गरीब को हमारी मदद हो तो हम उसके हेल्प कर पाए, ठीक है। तो वो बोलते हैं ना बूंद बूंद से ही कतरा कतरा से समंदर बन जाता है, तो अगर आप ऐसे हेल्प किया करोगे ना मेरी, तो मैं किसी गरीब की हेल्प किया करूँगा, ठीक है। जब भी किसी गरीब को हमारी हेल्प चाहिए होगी तो हम उसकी हेल्प कर पाए उस टाइम पे, ठीक है। मैं ऐसे हेल्प नहीं करना चाहता किसी को 500 या 1000, मैं ना उनकी लाइफ बनाना चाहता हूँ, ये मेरा सपना है। फिर ऊपर वाले तक है कि वो पूरा हो जाता है या नहीं, लेकिन ये मेरा सपना है कि मैं उनकी लाइफ बनाऊँ, उनको अपना काम दूँ जिनको ज़रूरत है उनको, ठीक। गरीब लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ, उनकी लाइफ बनाना चाहता हूँ, उनको काम देना चाहता हूँ, तो ये ना मेरा एक सपना है जो मैं ये पूरा करना चाहता हूँ। वो कैसे पूरा होगा आप लोगों की वजह से। गाइस मैं अभी वीडियो एडिटिंग स्टार्ट करता हूँ, उसके बाद लगाता हूँ फ्रेंड के वाईफाई से अपलोड पे, क्योंकि घर पे वाईफाई नहीं है ना। और इसके साथ आज का व्लॉग भी यहीं पे एंड करते हैं, उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे है तो प्लीज सब्सक्राइब करना, मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहना। तू मेरा रोज कमल, तू मेरा रोज।